हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक एंड क्रंची। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मटर की ड्राई सब्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। पूड़ी पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा यमी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। गैस ऑन रख कर ली है, गैस पे रख ली है कढ़ाई और अब डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर दें और अब डालेंगे पंचफूरन, थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच कसूरी मेथी। ये हमने 20 से 25 लहसुन की कलियों को छील कर ले लिया है। इन्हें हम सावती डालेंगे, हल्का सा चला देते हैं। और ये हमने एक बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। और गार्लिक और ओनियन को हम हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर लें। तो प्याज और गार्लिक हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। अब डालेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर एंड 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। और ये हमने 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मसाले को एक बार चला दें ताकि वो अच्छे से भुन जाए। और अब डालेंगे हम 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद भी इसे अच्छे से चला दें। टमाटर को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। तो टमाटर भी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। हमारी सब्जी हमेशा टेस्टी बनेगी हम मसालों को अगर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है और अब डालेंगे, ये हमने 2 मीडियम साइज के आलू को पतला पतला कट कर लिया है। और आलू डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि आलू में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। और अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेंधे नमक का यूज कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर दें। और ये मैंने 1/2 केजी हरी मटर के दाने लिए हैं और इनको डाल देते हैं। और अब मटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सीरियसली गाइज, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी सब्जी लगेगी। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर दें। अब मटर को ढक देते हैं और इसको बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है इसीलिए इसे हमें जल्दी जल्दी चलाना होगा और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। एक बार चला देते हैं। वाव, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। मैं तो इस तरीके की सब्जी अक्सर बनाती रहती हूँ क्योंकि सर्दियों में मटर बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप भी इस तरीके की सब्जी बना सकते हैं। तो इसे एक बार फिर से ढक देते हैं और इसे अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। चलिए इसे एक और बार चेक कर लेते हैं और चला देते हैं। और आलू को हम हल्का सा हाथों से प्रेस करके देखेंगे तो आलू हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम सब्जी को सुपर टेस्टी बनाने के लिए 1/2 नींबू इसमें निचोड़ देंगे, 1/2 नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी
और सब्जी हमारी एकदम कुक हो चुकी है, एकदम रेडी है और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं। तो हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।